वेलकम टू माय चैनल ग्रेवीज एंड मोर, जहाँ पे आज मैं बना रही हूँ हलीम, जिसके लिए मैंने ले लिया है 500 ग्राम मटन, जिसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट, 1 टीस्पून ईच है ये। सॉल्ट डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने 1 टीस्पून डाला है। अच्छे से मिक्स कर देना है। ये 1 कप व्हीट है दलिया और उड़द दाल है जो कि 1 टेबलस्पून है। इसको मैंने सोक कर लिया है 2 घंटे तक और अब हम कर देंगे इसको प्रेशर कुक। सो प्रेशर कुकर में मैंने जो दलिया है वो और उड़द मास की दाल दोनों चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया है। एक तेज पत्ता डाल देंगे, एक मीडियम साइज की अनियन को रफली चॉप करके ऐड कर दिया मैंने, वाटर ऐड कर देंगे अप्रॉक्स 700 ml, और इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट और हल्दी। इसको मिक्स करके प्रेशर कुक कर लेना है। सो यहाँ पे मैंने कुकर का लीड लगा दिया है, इसको 10 मिनट तक मीडियम टू लो हीट पे प्रेशर कुक कर लेना है 1 विसल आने के बाद। सो दलिया कुछ इस तरह रेडी है मेरा। इसको मैं बीटर से थोड़ा सा बीट कर लूँगी ताकि अच्छे से घुल मिल जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 पेपरकॉर्न्स ले लिए हैं जिसको कि मैंने कूट लिया है। ऑयल ले लेंगे हम और इसमें ऐड कर देंगे पेपरकॉर्न्स। सो ये मटन को प्रिपेयर करने के लिए हमने इसकी प्रिपरेशन करी है, प्रेशर कुकर में इसको कुक करना है। सो मटन ऐड कर दिया मैंने, इसको थोड़ी देर कुक कर लेंगे, अच्छे से भून लेना है मटन को। मटन को मैरिनेट करके आप 15-30 मिनट्स के आसपास रख सकते हैं। 1 स्मॉल अनियन को रफली चॉप करके ऐड कर देना है मटन में। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, हल्का सा गरम मसाला डाल देते हैं हम, 1/2 टीस्पून जितना यू कैन ऐड दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छे से मिला लेना है और ऐड कर देना है 500 ml जितना वाटर। इसको फिर से प्रेशर कुक करना है हमें। सो इसको 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे 1 विसल आने के बाद प्रेशर कुक कर लेना है। सो मेरा मटन रेडी है, इसको एक बार चेक कर लेना है। अगर ये टेंडर हो चुका है तो उसमें शामिल कर देना है दलिया जो कि हमने बीट करके एक साइड पे रख दिया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको।
इसको मीडियम टू लो हीट पे अप्रॉक्स 25 मिनट 30 मिनट तक पका लेना है। इस पॉइंट पे अगर आपको ये ज़्यादा ठीक लग रहा है तो आप इसकी कंसिस्टेंसी वाटर ऐड करके सेट कर सकते हैं, और जब ये 25 टू 30 मिनट पक जाए तो इसमें शामिल कर देना है चॉप किया हुआ कोरिएंडर और मिंट लीव्स। सो धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है बरिस्टा। सो मेरा हनी बिल्कुल रेडी है, इसकी कर देंगे हम प्लेटिंग। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।